सब्सक्राइब करें ट्रेंडिंग ज्ञान 360, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप देखें हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ त्यागी और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग ज्ञान 360। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायनाबोल के बारे में। दोस्तों आपके दिमाग में बहुत सी बातें आती होंगी, जैसे डायनाबोल है क्या, डायनाबोल को कैसे यूज करना चाहिए, या आपके ट्रेनर ने आपको कहा है कि इसको ले लो तो आपका मसल साइज बढ़ेगा, ये बॉडी के लिए सही है या नहीं, या आप इसको ले रहे हो तो इससे आपको फायदा क्या है, या इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एनाबोलिक एस्ट्रॉइड की, तो टेस्ला के बाद अगर किसी एस्ट्रॉइड की खोज हुई है तो वो डायनाबोल है। और पुराने टाइम में भी बॉडी बिल्डिंग में जितने भी 32 तरह के एस्ट्रॉइड होते हैं उनमें से ये टॉप 10 में आता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा यूज होता है और ये मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। दोस्तों ये आपको आपके ट्रेनर के पास मिल जाएगा या किसी सप्लीमेंट्री स्टोर पर मिल जाएगा। और दोस्तों क्योंकि ये एक टैबलेट है तो और मेडिसिन की तरह ये भी एक टॉक्सिक है जो आपके लीवर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो कोशिश करें कि इसको बिल्कुल भी ना लें। लेकिन अगर आप फिर भी इसको ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद है और कितना हानिकारक है आपकी बॉडी के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों अगर आप इसको लेते हैं तो आपका प्रोटीन सिंथेसाइज बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा ऑब्जर्व होगा और आपका मसल साइज बढ़ेगा, आपकी एनाबोलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इससे ये होगा कि बॉडी के अंदर जो फैट है वो कम स्टोर होगा और जो स्टोर फैट है वो एनर्जी के तौर पर यूज होने लगता है। अब जितना भी खाना खा रहे हैं वो जल्दी से पचने लगेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जिससे कि आपका मसल साइज बढ़े और आपका साइज गेन हो और वेट गेन हो। और दोस्तों क्योंकि ये बहुत फास्ट एक्टिव है तो ये बहुत जल्दी एक्टिव होता है। बॉडी के अंदर जो इसकी हाफ लाइफ होती है वो 5 से 6 घंटे की होती है। मतलब जैसे आपने ये टैबलेट फूड के साथ खाया और उसके 5 से 6 घंटे बाद इसका असर होना बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ शुरू हो जाता है, तो 5 से 6 घंटे ही ये आपकी बॉडी में सही तरीके से काम करेगा और उसके बाद ये आपकी बॉडी से बाहर हो लेता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके डोसेस के बारे में। दोस्तों पुराने जो बॉडी बिल्डर हुआ करते थे वो इसको गेनिंग में भी यूज़ किया करते थे। अगर वो किसी और एस्ट्रॉइड की साइकिल चला रहे हैं तो भी वो इसको यूज़ करते थे, और अगर एस्ट्रॉइड की साइकिल नहीं भी चला रहे हैं तो भी वो इसको यूज़ करते थे। दोस्तों ये एक ऐसा इकलौता एस्ट्रॉइड है जो आप किसी के साथ भी ऐसे स्टैक यूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों आप इसे इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैक की। अगर आप किसी स्टैक के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ इसका डोज होता है 30 से 50 mg के आसपास आप इसको ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसको इंडिविजुअल लेते हैं तो आप इसको 30 से 70 mg तक लेकर जा सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ना लें। दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसके इतने फायदे नहीं है जितने इसके नुकसान हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, पेट का फूलना, आपको गायनों की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसको कोई फीमेल यूज़ कर रही है तो उनकी बॉडी मेल टाइप होने लगती है। और दोस्तों इसके और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कोशिश करें कि इसको सही तरीके से लें। दोस्तों जब आपका ये डोज चल रहा है, मतलब डायनाबोल की अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो इसकी साइकिल 6 से 8 हफ्ते ही चलाएं, उससे ज़्यादा लंबा इसको ना चलाएं। अगर आप इससे लंबी साइकिल इसकी चला रहे हैं तो ये आपके लीवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए जितना भी ये आप 6 से 8 हफ्तों की डायनाबोल साइकिल चला रहे हैं तो उसके बीच में आपको लीवर 52DS, जो लीवर के लिए बहुत अच्छी है, ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करेगी इससे होने वाले साइड इफेक्ट से। तो इसको अपने ड्यूरिंग साइकिल हमेशा यूज करें, और जब ये आपकी साइकिल खत्म हो जाती है तो PCT जरूर करें। दोस्तों ये सारी बातें थी डायनाबोल के बारे में। दोस्तों मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूंगा कि डायनाबोल यूज करें, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत कम हैं और साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि इनसे जितना ज्यादा दूर रहे उतना ज्यादा अच्छा। दोस्तों ये हमारा वीडियो बनाने का एम सिर्फ यही था कि आपको पता हो कि डायनाबोल के फायदे क्या हैं और इसके डोजेस क्या हैं और इससे होने वाले साइड इफेक्ट क्या हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।